आप पासवान समाज से हैं, चिराग पासवान आपके साथ आए, घर पे आए, बोले कि आपको हमको वोट देना है, मोदी जी के साथ में है। बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, रिव्यू नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी जी के छोड़कर आरजेडी में जाते हैं तो पूरा 100% सपोर्ट रहेगा आरजेडी में जी। और जो लालू जी जो गरीब के नेता है, आपको लगता है कि मोदी जी गरीब के नेता हैं तो फिर उसके पास हम क्यों जाएंगे? जो राम मंदिर में खर्चा जो किए हैं वही पैसा अगर हॉस्पिटल बनाने में क्यों रहते हैं, तभी कोरोना से आदमी मन नहीं मर रहता। अब राम मंदिर बना ना, जितना कोरोना से आदमी मरा ना, कई राम मंदिर जाकर एडमिट हो जाइए, ठीक हो जाएगा। आज तक मतलब कि प्राइवेट कोई चीज़ हुआ था, ये वहाँ कहने का मतलब निजीकरण, बैंक की निजीकरण करने जा रहे हैं, रेलवे निजीकरण करने जा रहे हैं, क्या इसका मतलब होता है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? हम सब पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है ना। राष्ट्रीय रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, स्टेशन पर लिखा हुआ रहता है कि रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, तो फिर उसको क्यों बेच रहे हैं? यहाँ पर बैंकिंग क्यों निजीकरण किया जा रहा है? सरकारी चीज़ बेच के हम विकास चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बेच दिया जाए और उसको विकास हमको चाहिए। अब खुद सोचिए ना, सेंस है ना भगवान? जो लोग जो मोदी सरकार जो बोलता है हम सुनते हैं, अपना भी तो गरीब लोग का सेंस है ना। मेरा जो रेलवे की जो तैयारी करते थे डेट एक्सपायर कर गया, 7 साल हो गया वैकेंसी निकाले हुए, अब हम कहाँ जाएंगे बताइए? आपसे पूछ रहे कहाँ एजवा है भरे, हाँ एक्सपायर नहीं कर गया, एक्सपायर कर गया, हाँ ब्याह हो गया, शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया। अब बताइए कि बेरोजगारी में कहाँ जाएंगे? मोदी जी के पास जाएंगे, राम मंदिर के पास जाएंगे हमें? अब शादी कर रहा है 20-25 साल में, करूँ 45 साल में, औरत बानी रहता है, रहता है। मोदी जी के चलते तो नौकरी नहीं मिला, और उसके चलते छोकरी भी छोड़ दे, हमें अपना अधिकार भी छोड़ दे। क्या नाम बताए भैया? रत्नेश कुमार। रत्नेश कुमार जी पासवान, ये भी पासवान से हैं, पासवान समाज से हैं। तो ये बताइए कि अगर फिर से अगर चिराग पासवान मोदी जी के साथ अगर पार्टी में साथ में होते हैं तो क्या आपका साथ रहेगा? बिल्कुल साथ नहीं रहेगा। काहे? क्योंकि मोदी जी के साथ में रहकर तो यह हाल हुआ है, फिर उसी के साथ जाएंगे? मोदी जी थोड़ी ना कर देंगे, हाँ उन्हीं का सब किया हुआ है, उन्हीं का किया टोटल की कैसे किया है। अब बताइए आप हमको कि पशुपति पार्क के साथ 5 संसद चले गए, चलिए ठीक है चले गया पार्टी लेकर, ठीक है तो पार्टी लेने का अधिकार आपको किसने दिया? जो सिंबल है बंगला छापे, हाँ तो छीनने का अधिकार तो अध्यक्ष भी बन गए कौन? गलत, बंगला छाप के वो मालिक बन गए, गलत है ना? इसको आप क्यों इनकार करिए? गलत है कि नहीं है? हाँ पार्टी संसद लेके चलिए, ठीक है अपना पार्टी बना लीजिए, मेरा सिंबल लेके तुम घूम रहे हो, ये तो गलत है ना। तो ये तो बोले कि ये मेरी पार्टी हो गई है, अब चिराग पासवान अपना जो भी करना है। चिराग पासवान तो बोले कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, तो वो तो कोर्ट में गए हैं और वो केस भी किए हैं कि और उस पर कुछ संवैधानिक कुछ जो ये निकलेगा मसला उस पर वो करेंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि अगर चिराग पासवान फिर से अगर मोदी जी के साथ चले जाते हैं, मान के चलिए कि अगर उनकी पार्टी को फिर से सिंबल वही हो जाता है, फिर से वो पार्टी अपना फिर से नया लोजपा खड़ा कर लेते हैं, तो क्या अगर मोदी जी के साथ वो जाते हैं तो आपका साथ उनके साथ रहेगा? सपोर्ट नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा। मोदी जी के छोड़कर आरजेडी में जाते हैं तो पूरा 100% सपोर्ट रहेगा आरजेडी में जी। और जो लालू जी जो गरीब के नेता हैं, आपको लगता है कि मोदी जी गरीब के नेता हैं तो फिर उसके पास हम क्यों जाएंगे? गरीबों के लिए तो बहुत सारा काम किया, एग्जाम्पल गरीबों के लिए तो देश में वो अभी कोरोना काल में भी बताइए, अभी जो कुछ दिन पहले जो टीवी पे देखे थे रो रहे थे गरीबों के लिए, कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल बताइए कौन सा ऐसा काम, मतलब नजर में तो नहीं आ रहा, आपको नजर में आ रहा बताइए कौन ऐसा काम किया? पुल बनाए ना जी, कौन पुल बनाए? बड़ा बड़ा पुल बनाए, बड़ा मूर्ति बनवा दिए गुजरात में, देखे नहीं 3000 करोड़ रुपए का मूर्ति बनवाए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से राम मंदिर बनवाए, बन गया, उससे उनका पेट भर गया। जो राम मंदिर में खर्चा जो किए वही पैसा अगर हॉस्पिटल बनाने में क्यों रहता है, तभी कोरोना से आदमी मन नहीं मर रहता। अब राम मंदिर बना ना, जितना कोरोना से आदमी मरा ना, कई राम मंदिर जाकर एडमिट हो जाइए, ठीक हो जाएगा। वो तो फिर भी वो भी तो हॉस्पिटल का भी तो मुद्दा होना चाहिए ना, शिक्षा का भी तो मुद्दा होना चाहिए ना, सड़क का तो मुद्दा भी होना चाहिए ना। वादा करके आए थे 15 लाख पाया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, कहाँ गया वादा? वादा पर तो आइए, राम लोग उनको चुना था राम मंदिर के नाम पर नहीं चुना था, रोज विकास के नाम पर चुना था, तो विकास तो दिखना चाहिए। कोरोना काल में राशन दे रहे हैं ना, क्या राशन दे रहे हैं? कोरोना काल कब चल रहा है? 6 महीना, 1 साल, हाँ 1 साल या 8 साल होने जा रहा है। इसके पहले क्या कर रहे थे वो मोदी जी? क्या कर रहे थे इसके पहले? तो कांग्रेस की सरकार, हाँ कब 2014 के पहले न थी। हाँ तो पूछिए कि आपका इतना उम्र हो गया, ठीक है ना, आज तक ले मतलब कि प्राइवेट कोई चीज हुआ था, ये वहाँ कहने का मतलब निजीकरण बैंक की निजीकरण करने जा रहे हैं, रेलवे निजीकरण करने जा रहे हैं, क्या इसका मतलब होता है? हाँ गरीब लोग का सरकारी चीज होना चाहिए, प्राइवेट तो कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटी और ज्यादा मिल सके, लोगों को जो एक ये है जो कमी जो है सरकारी तबके में जो बहुत सारे चीज का कमी है उसको और ज्यादा डेवलप कर सके। एक मिनट बताइए हमको, जो बैंकिंग है निजीकरण हो जाएगा, हाँ तो कौन आदमी उसमें पैसा जमा करने जाएगा, विश्वास रहेगा प्राइवेट आदमी पर? पहले जो लोग जमा करने जाता था तो पूछता था कि बताइए निजी का सरकारी है कि प्राइवेट है, तो लोग समझता था कहता था कि सरकारी है, तो ये समझ के लोग जमा करता था कि चलो भाई इसका सरकारी जिम्मेदारी है। अब सरकारी चीज़ है करके हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन कहाँ जाएगा बताइए, कहाँ जाएगा? अब सरकारी करके हम जिम्मा नहीं लेंगे तो लोग कहाँ जाएगा, किसके बाद मतलब झेल पिटेगा? बोले ना कि आत्मनिर्भर बनिए आप लोग। हाँ मोदी जी बोले हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, पूरे भारत को बोला है कि आत्मनिर्भर बनिए। हाँ और इसके कैसा राष्ट्रवाद है, हम सब पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है ना, राष्ट्रीय रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, स्टेशन पर लिखा हुआ रहता है कि रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, तो फिर उसको क्यों बेच रहे हैं? यहाँ पर बैंकिंग क्यों निजीकरण किया जा रहा है? सवाल तो हो, हम इस सवाल पर वोट देंगे विकास के लिए। हाँ कुछ विकास के लिए एक बताइए, सरकारी चीज बेच के हम विकास चाहते हैं, अब चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बेच दिया जाए और उसको विकास हमको चाहिए, अब खुद सोचिए ना, सेंस है ना भगवान? जो लोग जो मोदी सरकार जो बोलता है हम सुनते हैं, अपना भी तो गरीब लोग का सेंस है ना। मोदी जी के बारे में आप इतना बोल रहे, मोदी जी को वोट दिया था पिछले बार? हाँ देखिए आपको लगता है कि जब उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं तो हम वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप नहीं दिया था, आप जैसे कितने लोग ने, आपने जाके परेशान कीजिएगा से कौन कौन नहीं दिया, नहीं दिया। तो ये कहने का सीधा अर्थ है कि आप अगर चिराग पासवान मोदी जी के साथ जाएंगे तो नहीं देंगे? नहीं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। आरजेडी के पास जाएंगे सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि इन लोग गरीब का नेता। अगर वो चिराग पासवान, आप पासवान समाज से हैं, चिराग पासवान आपके साथ आए, घर पे आए, बोले कि आपको हमको वोट देना है, मोदी जी के साथ में है, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं देंगे। अब बताइए कि जो रेलवे वाला, अपने बारे में बताता हूँ मैं, मेरा जो रेलवे की जो तैयारी करते थे डेट एक्सपायर कर गया, 7 साल हो गया वैकेंसी निकाले हुए, अब हम कहाँ जाएंगे बताइए? आप से पूछ रहे कहाँ जाएंगे? हाँ एक्सपायर नहीं कर गया, एक्सपायर कर गया, हाँ ब्याह हो गया, शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, अब बताइए कि बेरोजगारी में कहाँ जाएंगे? मोदी जी के पास जाएंगे, राम मंदिर के पास जाएंगे हमें? अच्छा ये बता कि रोजगार ना हो, कल्ला नौकरी ना हो ले, फिर भी शादी ब्याह कर ले, उनका बेटा ये खड़ी है। हाँ तो जब डेट एक्सपायर हो गया तो जाहिर सी बात है कि मतलब कोई उम्र ना होता है, शादी ब्याह के भी एक्सपायर होते हैं ना, तो अब शादी करे ला 20-25 साल में, करूँ 45 साल में, औरत बानी रहता है, रहता है बुरा कौन शादी करेगा? हाँ राइट बोलना है, इनका काम है। मोदी जी के चलते तो नौकरी नहीं मिला, उसके चलते छोकरी भी छोड़ दे, हमें अपना अधिकार भी छोड़ दें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, द एक्टिविस्ट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर।